नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुहर्रम दारी पर लखीमपुर खीरी जिले में प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर आज मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिम के बैनर के नीचे जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जिले में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने के लिए मांग की। मुसलमानों ने कहा कि प्रदेश मुख्यालय पर घरों में मुहर्रम दारी की अनुमति मिलने और फिर पूरे प्रदेश में गाइडलाइन जारी किए जाने के बावजूद अभी तक लखीमपुर में इसको लेकर प्रशासन द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिसको लेकर मुसलमानों में असमंजस की स्थिति है। AIMIM जिलाध्यक्ष आमिर रजा ने कहा कि जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मुहर्रम दारी व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वह जिला मुख्यालय पर गांधी विद्यालय से लेकर डॉन बॉस्को के बीच खराब और जर्जर रास्ते को दुरुस्त कराने की मांग की गई। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव सहित काफी लोग मौजूद रहे। मुहर्रम की 4 तारीख हो गई, अभी सरकार द्वारा जो मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस को स्पष्ट नहीं जारी की गई। पहले ये कहा गया था कि मुहर्रम दारी घरों में जो है वो भी नहीं होगी, जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद फिर गाइडलाइंस आई बताई जा रही है कि घरों में आप मुहर्रम दारी करेंगे, ताजिए रखेंगे, लेकिन उसका जुलूस पर प्रतिबंध है। अभी इस चीज़ स्पष्ट ना होने का कारण जो मुसलमान है जिले का, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से मुहर्रम मनाना। इसी बात को लेकर हमने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि जिले में जो गाइडलाइंस आई है सरकार की, वो स्पष्ट है ताकि मुस्लिम समुदाय अपने मुहर्रम के त्यौहार को मना सके। इसके अलावा जो लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति है, आज जिले में कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया। इसके अलावा शहर में जो खस्ता हाल सड़कें हैं, ये 3 मुद्दों को लेकर आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।